बठिंडा के हाकी स्टेडियम विखे पहुंचे सिक्ख्या मंत्री अते कीती बच्चों के नाल मुलाकात। कहा इन्हां दी डाइट ते खेडां दे समान लई दित्ती जाएगी खेतों पहला। दस दिए कि अज बठिंडा के खेड स्टेडियम विखे सिक्ख्या मंत्री मीतहर पहुंचे अते उन्होंने कहा कि इन खिडारियों नू जो एडे वड्डे बिल्डिंग के उत्ते पैसे खर्च किए जा रहे, लेकिन इन्होंने खिडारियों की डाइट ते जां होर समान ते खर्च नहीं किया जाता। तो साड़ी सरकार इन दे उस सारे समान के उत्ते आने वाले दिनों खर्च करेगी। असीं सिक्ख्या नीति बनाने जा रहे हैं, जिसनों लैके उन्होंने कहा कि असीं इन्हां बच्चों के लिए पहला कोई कम करांगे, उस तो बाद असीं बिल्डिंगां दे पैसे लावांगे। देख रहे हो तस्वीर, सिक्ख्या मंत्री वालों बठिंडा के हाकी खेड स्टेडियम का दौरा किया जा रहा है। बच्चों के नाल इन्हां वालों मुलाकात की गई। तुसीं देख रहे हो तस्वीर कि इन वालों दौरे दौरान इतने बठिंडा के विधायक जगरूप सिंह गिल भी दिखाई दे रहे हैं। देखो जी, अज मैं इतने जेडे PIS का सेंटर चल रहे हैं, अज मैं इतने जो हॉकी का स्टेडियम है उत्थे भी अज मैं साडे मानयोग MLA बठिंडा जगरूप गिल जी ते होर साडी समुची टीम दे नाल अज इत्थों दा दौरा कीता है। इस तो अलावा असी जिहड़ा थर्मल दे विच स्टेडियम जिहड़ा उत्थे चल रहा सीगा, क्योंकि हुण उन्होंने जिहड़ी पुड्डा नूं जिहड़ी जमीन है ट्रांसफर कर दित्ती है, उत्थे भी अज असी विजिट करके आए हैं। क्योंकि उत्थे भी जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्थे स्विमिंग पूल का भी होर भी जिहड़ा बनया होया, पर उहदी जिहड़ी मेंटेनेंस नहीं हो रही। तो इत्थे भी मैं हुण बच्चों के नाल इंटरैक्शन भी की है, बच्चों ने दसा कि 2016 तो बाद जिहड़े इक्विपमेंट ने वो ही नहीं उन्होंने दिते गए। तुसीं देखो भी 2016 लंघे नूं 6 साल हो गए, 6 साल बच्चों नूं हॉकी तक जिहड़ी है सरकार ने लैके नहीं दित्ती। यही कारण रहा कि जिहड़ा सूबा 2004 तक पहले नंबर पर सी खेडां च, अज असीं 17वें 18वें नंबर पर जा चुके हैं, क्योंकि बड़ा इग्नोर्ड जिहड़ा डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स रहा। बच्चों की खिडारियों की कोई सार ही नहीं लेगी। इदू पहला भी मैं बड़े जिहड़े कह लो जलंधर अमृतसर बड़े ग्राउंड च विजिट किया है, पौड़ियां ते कमरिया ते करोड़ा रुपया लाया गया, क्योंकि उत्थों पैसे खाने सी। पिछले समय चलते ये कुछ रहा, मैं मालपुर गया जिन्हों कहा जाता है भी भाई फुटबॉल की जिहड़ी साडी नर्सरी है, मैं मतलब कि बड़ा उत्थे जाके मैनू देख के दुख होया कि पिछले 6 महीनों तो उत्थे मोटर का कनैक्शन कट्टिया पिया, क्योंकि कहते जी बिजली का बिल नहीं भरया गया, वह 60,000 रुपया बिल है। दूजे पासे एक बार तो 60,000 रुपया बिजली का बिल देने नहीं सरकार को, दूजे पासे उत्थे ही 2.5 करोड़ रुपया ला के जी आ पौड़ियाँ ते जिहड़ा कमरे तैयार हो रहे हैं ग्राउंड वास्ते, जिथे खिडारियों ने खेडना, जिथे उन्होंने घा चाहिए फुटबॉल का, उस लई दा पैसे नहीं पर कमरिया लई है, पौड़ियाँ लई है, क्योंकि उत्थों कह लो भी जो पुराना सिस्टम चलता भी इतने 1 करोड़ रुपया लगेगा ता ही जिहड़ा 50-60 लाख रुपया सानू खाण नू बचूगा, पर ग्राउंड जिहड़ा बच्चों को खेडने लिए चाहिए तो जो इक्विपमेंट चाहिए है, बच्चों की डाइट वो पुराने समय से बिल्कुल इग्नोर्ड रही है, जिदे करके मैं दोबारा कहना कि असी स्पोर्ट्स 17वें 18वें नंबर पर जा चुके हैं। मैं लगता भी पहली बार होया होना कि पंजाब हॉकी दे विच दिल्ली तो हार गया, अज तक नहीं होया। सो असी भगवंत मान जी की जिहड़ी सरकार है, CM साहब हर पासे फोकस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी एजुकेशन के नाल नाल, क्योंकि मेरे को एजुकेशन हायर एजुकेशन के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, यदा साढ़े मेन एजेंडे ते है। सो अज मैं बच्चों ने मैंने दसा कि सानू इक्विपमेंट है जोड़े वो नहीं मिल रहे, वह भी इन्हों प्रबंध करवा के देवे, कला इतने नहीं पूरे पंजाब के असी आने वाले समय जी स्पोर्ट्स नीति भी दोबारा बना जा रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स नीति साड़ी इदा दी है कि जेडे कोई खिडारी मैडल लैके आँदा उन्होंने पूछा तक नहीं जाता, जे हरियाणे वाले पुछते सी अज हरियाणा देख लो कितने जा चुका, दूजे सूबे जिहड़े भी मतलब कि खिडारियों की कदर करते वो सूबे ने राइज किया, साढ़े पुछया नहीं, अज इंटरनेशनल प्लेयर साढ़े कह लो भी लेबर कर मजबूर ने। सो असी आने वाले समय से चाहते हैं कि चाहे कोई नैशनल प्लेयर है इंटरनेशनल प्लेयर है जिहड़ा सूबे का देश का नाम रोशन करता, सरकार वह मान सम्मान दे, उहदे लई एक नवी स्पोर्ट्स नीति भी बड़ी जल्दी असी जिहड़ी है लैके आवांगे। बाकी ग्राउंड ते जाके जिथे असी स्कूलां दे हालात जाण रहे हां, असी कॉलेजेस दे हालात जाण रहे हां, उत्थे स्पोर्ट्स च की कमियां पेशियां रहियां ने, किन्ना कारना करके जिहड़ा 1 नंबर दा सूबा सी अज 17वें 18वें नंबर ते जा चुक्या खेडां दे विच, उह भी कमियां पेशियां जाके देख रहे हां, ते उह खिडारियां तों कोचस तों जिहड़े साडे खेड जगत नाल जुड़े हुए लोक आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ
मैं उही कहना जी आपदी चौधर दे लई करोड़ा रुपया कई जगह पर मैं स्कूल की गल नहीं करता, वैसे मैं गल करता वेस्ट किया गया, पर मुड़ के वो चीज़ नू मेंटेन नहीं किया गया। ठीक है कि ना फोटो कराने लई आपदी बल्ले बल्ले करवाने लई करवा लिया, पर भी जेड़ी चीज़ पर पैसे लग गए वो पढ़ने वाले बच्चों के यूज़ आवे चाहे खेडने वाले बच्चों के वरतों में आवे, इस वल गल वल मुड़ के ध्यान ही जिहड़ा नहीं दिता गया। सो जिहड़े कोई स्कूल है जिहड़े कोई ग्राउंड है जिथे करोड़ा रुपया लग के वेस्ट होया, मैं आने वाले दिनों जिहड़ा घुद्दे वाला स्कूल है जिहड़ा उत्थे बनया मैं उत्थे भी विजिट कर रहा है, जिथे होर भी जिथे भी कोई पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है जां पिछले समय च होया कितने वेस्ट नहीं होने दिता जाऊगा। मैं तो आने वाले समय से जिहड़ी नवी पॉलिसी के तहत असी जो भी खेडा नू लैके जिहड़ा बजट बनूगा उहदे च जिथे कोई बहुत जरूरत होई तां तां असीं पौड़ियां कमरे दे पैसा लावांगे, नहीं टोटली बजट खिडारियां दी डाइट उन्हां लई इक्विपमेंट ते ग्राउंड च जिहड़ा उन्हां नू जिहड़ियां सहूलतां चाहीदियां ने उन्हां दा जिहड़ा साडा फोकस है वो रहूगा।